धार जिले में अवैध रूप से सट्टे जुए का कारोबार फल फूल रहा है इसे लेकर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह सख्त नजर आ रहे हैं संपूर्ण जिले में ग्रामीण स्तर तक वर्षों से निर्वाध रूप से जुए के अड्डे चल रहे हैं जहां धार जिले के बाहर के जुआरी आकर लाखों रुपए की जीत हार का दांव लगाते हैं इन अड्डों को पुलिस का संरक्षण तो मिल ही रहा था साथ ही सत्ताधारी नेताओं का वरद हस्त प्राप्त होने से पुलिस चाहकर भी कोई कार्रवाई नहीं करती पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को सट्टे जुए पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए इसके चलते दो स्थानों पर पुलिस ने जुए की फड़ पर बड़ी कार्रवाई की पुलिस ने राजगढ़ में जुए की फड़ पर कार्रवाई करते हुए एक लाख उनतालीस हजार रूपए नगर सहित छह जुआरियों को गिरफ्तार किया इसी तरह पीथमपुर में सोलह जुआरियों को गिरफ्तार कर एक लाख सोलह हजार रूपए नकदी जब्त किए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट